नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हर किसी की ये चाहत होती है कि वो काफ़ी दिनों तक जवान ही रहे। बूढ़ा होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसी बीच चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जीन थेरेपी का इजाद की है जिसकी वजह से वो बुढ़ापे को काफ़ी समय तक रोका जा सकता है। यानी इस थेरेपी से आपकी ज़िंदगी थोड़ी लंबी हो जाएगी और आप जवान नज़र आएंगे। वैज्ञानिकों ने इस थेरेपी को चूहे पर इस्तेमाल करके उनकी ज़िंदगी 25% बढ़ा दी। तो आइए जानते हैं इस थेरेपी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से। भविष्य में इस थेरेपी के इस्तेमाल से इंसानों की उम्र बढ़ाने, अधिक दिन तक जवान रहने या बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में मदद लिया जा सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की गई इस नई थेरेपी को लेकर साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन जर्नल में एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जीन थेरेपी में KAT7 नाम के जीन को सक्रिय किया जाता है, क्योंकि कोशिकाओं के बूढ़े होने से यही जीन जिम्मेदार है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी के प्रोफेसर कू जिंग और उनकी टीम ने इस नई जीन थेरेपी को विकसित किया है। बता दें कि प्रोफेसर कुंग जी एजिंग और रिजनरेटिव मेडिसिन के विशेषज्ञ है। कुजिंग के मुताबिक उन्होंने इस नई थेरेपी को चूहे पर आजमाया। इस नई थेरेपी से चूहों में 6 से 8 महीने के बाद बदलाव दिखने लगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस थेरेपी से चूहों की जिंदगी में 25% का इजाफा हो गया। इंसानों के शरीर में KAT7 जीन का जांच करने के लिए कई तरह के परमिशन चाहिए होंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस थेरेपी को इस स्तर तक सुरक्षित करना होगा कि किसी भी इंसान को नुकसान न हो। एक बार यह थेरेपी इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित साबित हो जाएगी तो इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। अगर कुछ सालों में इस थेरेपी को विकसित कर इंसानों के लिए उपयोग में लाया जाएगा तो इससे बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों का इलाज करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही इंसान ज्यादा दिन तक जवान रहेंगे तो उससे अधिक दिन तक काम लिया जा सकेगा। लेकिन इससे पहले इस थेरेपी पर काफी रिसर्च की आवश्यकता जताई गई है। दोस्तों, अगर आपको मेरा जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।